हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये येलो डेक और दूसरा ऑप्शन है ये ब्लैक डेक। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको उस रीडिंग देखनी है। तो इसमें हम आपके पर्सन, आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए भी है। ठीक है, तो आप को सिलेक्ट करना है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अपने सवाल के बारे में सोचिए कि शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। तो आप इन दोनों में से एक सिलेक्ट करिए। और आपको याद रखना है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, सबके लिए है। तो जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। और साथ में रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक भी करिए। आई होप अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए ग्रुप वन से शुरू करते हैं। तो अगर आपने ये येलो डेक सिलेक्ट किया है तो देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। उसके पहले देखते हैं कि आप इस पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस डेक से देखते हैं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनसे आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो देखते हैं, जो भी जिन्होंने भी ग्रुप वन सिलेक्ट किया है वो अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन सिलेक्ट किया है वो अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप वन सिलेक्ट किया है वो अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। पहला है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज, एंडिंग। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। क्या फील कर रहे हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक्यूरस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस की एनर्जी है। आप इस वक्त इस पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप क्या फील करते हैं इस पर्सन को लेकर, सॉरी, आप क्या फील करते हैं इस पर्सन को लेकर। यहाँ पर है जस्टिस। आप क्या फील करते हैं इस पर्सन को लेकर। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। आई होप आपको कार्ड अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा। तो यहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चेंज आया है। ठीक है, या तो आप बहुत चेंज हो चुके हो या फिर आपके पर्सन बहुत चेंज हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप सिचुएशन है, एंडिंग हुई है किसी तरीके से, या आप लोग के सिचुएशन में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन की कहीं और मैरिज हो गई हो या आपकी कहीं और मैरिज हो गई हो, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस वक्त ये फील कर रहे हो कि जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, एंडिंग जो हुई है वो ना आपके हाथ में था ना ये ना आपके पर्सन के हाथ में था। ये जो भी हुआ है ये वक्त की वजह से हुआ है, किस्मत की वजह से हुआ है, आप ऐसा फील करते हो। ठीक है, आप ऐसा भी फील करते हो, पर जो भी हुआ आप लोग के बीच में बहुत ही फास्ट हुआ। और हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा क्विक डिसीशन लिया कि अब ये सिचुएशन जो है आगे कोई पर्पस नहीं सर्व कर रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा डिसीशन लिया अचानक से। ठीक है, तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है उस वक्त जो भी सिचुएशन था उसमें आपको यही लगा कि यही निर्णय ठीक होगा, इस वजह से आपने ही हो सकता है इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप इस वक्त कट किया है। फिर भी रिलेशनशिप कट करने के बाद भी आप इस पर्सन को भुला नहीं पाए हैं। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते हैं। एक आप दोनों के बीच में आपको लगता है कि जैसे ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। आप हर वक्त अपने पर्सन को मिस करते हैं और
अभी भी कहीं ना कहीं आपको इंतजार है कि चीजें ठीक हो सकती है, जिसकी वजह से आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो इस पर्सन से। आप अभी भी वेट कर रहे हो, अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई चेंजेस हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ऐसे अगर आपकी फीलिंग्स हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ग्रुप 1 की रीडिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि या आपको क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद हम इस सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ सोर्ड, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस और यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आप जिस तरीके से अपने पर्सन के लिए बहुत इंटेंस अट्रैक्शन फील करते हैं, पर ये पर्सन ने हो सकता है कि अभी आपको ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने का रीजन कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या कोई थर्ड आपके जो पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं वो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ऐसी सिचुएशन में आया है। आपके पर्सन जो है वो हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में है इस वक्त। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है और वो इस वक्त उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो इस चैलेंजेस को स्वीकार कर पाए या हैंडल कर पाए। वो अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आपके साथ वक्त बिताना हालांकि बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता था। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो चीजें जरूर मिस करते हैं, आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है मिस करते हैं, पर अभी फिलहाल ये पर्सन आपको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये पर्सन के दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि आने वाले समय में ये कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है हल्का उनका मैसेज, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ जो है फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो पर फ्रेंडशिप के लिए रेडी है। तो हमारा सवाल है, शुड यू वेट और मूव ऑन। तो मेरे व्यूअर्स को रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो मेरे व्यूअर्स को रुकना चाहिए इस पर्सन के लिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोल्ड, और यहाँ पर देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। 7 ऑफ कप्स और स्टार, ठीक है, तो यहां जो कार्ड्स आए हैं वो क्या बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप इस वक्त जो है आपको अपने ऊपर ज्यादा सेल्फ फोकस होना चाहिए, या फिर आप अपने जो काम है, अपने बिजनेस है, जो भी वर्क करते हैं उसमें ज्यादा आप फोकस करिए, अपने लिए टाइम निकालिए। ठीक है, ऐसा आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर आप इस पर्सन के तरफ ऐसा रुख रखेंगे कि आप अपने जिस तरीके से आप बोल्डली हैं, बोल्ड हैं, उस तरीके से आप अपना एक बोल्ड स्टेप लेंगे, मतलब कि हो सकता है कि आप इस पर्सन को इस तरीके से दिखाए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब ये पर्सन सोचने में मजबूर हो जाएंगे आपके लिए, तब ये पर्सन अपने तरफ से ही एक नई बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे। पर मुझे लगता है कि आपने ही, हो सकता है, इस रिलेशनशिप को इस वक्त एंड किया है,
हालांकि आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है, पर मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको और दूसरे ऑप्शंस भी आएंगे, आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी। अभी आपको अपने जो भी सिंगल लाइफ है वो आप एंजॉय करिए, ठीक है। आने वाले समय में एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। आप हो सकता है अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ये पर्सन जो है आपको लेके इतने सीरियस नहीं है, तो इस वजह से आपको इस सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप अपने जिस अभी सिचुएशन में है, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, तो आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, जो आपको क्लियरली लगता है आप वो सामने वाले को वही बताते हो, तो आप उसी एनर्जी में रहिए। आपको, आपका जो दिल हमेशा तोड़ता है, जो हर्ट करता है, तो उस पर्सन के लिए आपको इस वक्त कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, जिस और अपने तरफ आपको फोकस करना होगा। तो ये जो सिचुएशन है धीरे धीरे हील होगी, और ये पर्सन वाकई में आपको चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो अगर वाकई में चाहते हैं तो अपने तरफ से ये एफर्ट करेंगे आपको मैसेज कॉल करने का, आपको अपने तरफ से नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा शो करना है इस पर्सन को कि आप मूव ऑन कर रहे हो, पर एक्चुअल में हो सकता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। पर मुझे काफी लोगों के लग रहा है कि आपने ही इस सिचुएशन में एक एंड किया है सिचुएशन को, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके सीरियसनेस नहीं दिखा रहे थे। आप इस पर्सन के लिए सीरियस हो रहे थे, पर ये पर्सन आपको सीरियसनेस जो है नहीं दिखा रहे थे। तो इस वजह से ऐसा लगता है मुझे कि आपको, आपके लाइफ में और ऑप्शंस आएंगे, तो आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए। तो ये थी ग्रुप वन की रीडिंग, तो होप आपको रेजोनेट हुई है। तो मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो गाइस, अगर आपने ये ग्रुप टू सिलेक्ट किया है, ये ब्लैक टैग, तो देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। उसके पहले हम देखेंगे कि आप इस पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर, आपके दिल में क्या फीलिंग है। जिन्होंने भी ग्रुप टू सिलेक्ट किया है वो अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ग्रुप टू अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, क्या फील कर रहे हो आप। एम्परर, आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हो, आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत रोमांटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा लव्ड फील करते हो, बहुत ज्यादा केयर्ड फील करते हो जब ये पर्सन आपके पास होते हैं। आपकी नजरों में ये पर्सन बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी अच्छे पोजिशन में है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है आपको बहुत ज्यादा, इनकी जो डोमिनेटिंग नेचर है और जो कंट्रोलिंग नेचर है वो भी मुझे ऐसा लगता है आपको पसंद है, आप उन चीजों को पसंद करते हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल भी ऐसे पर्सन नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप क्या फील करते हो कि आप इस पर्सन को बहुत चाहते हो, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड भी हो, पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको धोखा दे रहे हैं, या वो अपने फीलिंग्स जो है आपको एक्सप्रेस ठीक तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। या तो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ये पर्सन जो है धोखा दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कई बार ऐसे सिचुएशन आई है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किए हो, या ये ऑन ऑफ कनेक्शन भी रहा है, या ये पर्सन वॉक अवे किए हैं, या आप वॉक अवे किए हो, मतलब दोनों ने एक दूसरे से अपनी एनर्जी विथड्रॉ की है, ठीक है। और ना ही अब आप एक्सप्रेस कर रहे हो आप क्या फील कर रहे हो, ना ही ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं।
तो दोनों के बीच में एक ऐसा लगता है साइलेंस है इस वक्त। तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये आप तो इस पर्सन को चाहते हो, पर ये पर्सन अगर आपको चाहते हैं तो ये आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ है, कनेक्शन स्ट्रांग है ऐसा लगता है, पर आपको ये श्योर नहीं है कि ये इस पर्सन के दिल में भी वैसे ही फीलिंग्स है भी या नहीं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि अगर ये पर्सन के दिल में फीलिंग्स होती तो अभी तक ये पर्सन खुल के आपको बता दिए होते, आपको इस तरीके से अवॉइड नहीं करते, ठीक है। आपके दिल में अगर ऐसी फीलिंग्स है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ग्रुप टू के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप टू के पर्सन ग्रुप टू के लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पर है फाइव ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर। नाइन ऑफ सोल्ड, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो एक ऐसे पर्सन है जो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन, और इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी ये पर्सन फील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर ये पर्सन ने आपको कहा है अगर कि ये आपको चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट डे या कुछ महीनों बाद इनका जो है नेचर चेंज हो जाएगा और ये फिर आपको बोलेंगे कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि मैं पसंद करता हूँ तुमको या इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टेबल है अपने फीलिंग्स को लेकर। ये आपके साथ ये रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा रिबिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपसे अलग है तो आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और रीजन ये है कि ये पर्सन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप इनके आसपास होते हो, आप इनके साथ होते हो, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक मन में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, बहुत आपसे पैशनेटली ये पर्सन अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशियाँ इस पर्सन के दिल में आती है। पर आप दोनों के बीच में दूसरों का इंटरफेरेंस है, सामाजिक हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे बहुत दूर हो, इस तरीके से भी आपके पर्सन फील करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट भी हैं कि जिस तरीके से वो आपके लिए इतना फील करते हैं पर आप उनसे दूर हो, तो ये पर्सन भी बहुत ज्यादा अपसेट फील करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड की यहाँ एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस भी होता है इस पर्सन को। ये पर्सन हो सकता है बाहर से खुद को बहुत ज्यादा बोल्ड ऐसे दिखाते हैं, पर अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, जब भी आपके सामने आते हैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो बता नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो ग्रुप टू जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए वेट करना चाहिए, ग्रुप टू को क्या वेट करना चाहिए आपको। सेवन ऑफ कप्स, क्या वेट करना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें अभी आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है उसको लेकर कंफ्यूज्ड है। एक्चुअल में ये जो पर्सन है ये ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ जो है एक वो स्टेबल
लाइफ, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक मैरिड लाइफ, आपके किड्स होंगे, आप दोनों साथ में होंगे, ठीक है, इस तरीके के आपके पर्सन जो है वो सपने देखते हैं, ठीक है, पर हो सकता है किसी रीजन की वजह से, अपने फैमिली की वजह से, समाज की वजह से, इस पर्सन ने इस वक्त आपसे जो है एक डिस्टेंस बना के रखा है इस वक्त, ठीक है, इन्होंने अपने जो फीलिंग्स है वो भी दिल में दबा के रखी है, अभी ये पर्सन जो है आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली ये पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप दोनों दोबारा एक हो पाओगे। तो और थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ देखिए एस ऑफ कॉइन्स को कवर करता हुआ है एस ऑफ कप्स, एक नई बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके पर्सन जो है इस वक्त जो इस ब्रेकअप से है बहुत ज्यादा शॉक्ड है, वो इस ब्रेकअप को नहीं चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है आपके पर्सन को उस चीज ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, देखिए आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, ठीक है, और आपके पर्सन जो खुद के फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है मुझे वो चाहते हैं कि आप उनको कोई साइन सिग्नल इस तरीके से दो जिससे कि ये पर्सन को ये रियलाइज हो जाए कि आप उन्हें चाहते हो, या फिर आप अपने तरफ से उन्हें बताओ कि आप उन्हें अपनी लाइफ में चाहते हो, आप उनके खुशी हो, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बिना भी खुश हो, इस तरीके से आपके पर्सन फील करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको उस जो है सिचुएशन से बाहर निकालो और आप उनके लाइफ में खुद से आओ, ठीक है, ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों की ही ऐसी सिचुएशन है कि दोनों के अंदर ही वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है कि एक दूसरे से खुल के अपने दिल की फीलिंग्स बता पाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, तो जो भी है यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि एक नई बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है आने वाले समय में, तो आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, अगर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो आप वेट करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स है पर ये अपने फीलिंग्स को सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये अभी भी चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं ये पर्सन, पर ये चीजें बता नहीं पा रहे हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो और आप अपने फीलिंग्स उनको बताओ जिससे कि उन्हें रियलाइज हो कि आप भी उन्हें वैसे ही चाहते हो जैसे कि वो चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप टू के लिए, होप आपको रेजोनेट हुई हो, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।